हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है ये फेस्टिव मेकअप लुक। सो अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर कर दें वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए देखते हैं कि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। ये लुक मैंने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके क्रिएट किया है। मैंने जस्ट एक पॉन्स का बीबी क्रीम यूज़ करके इसका बेस रेडी किया है। कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया मैंने। सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर अपने फेस का टोनिंग किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। ये सनस्क्रीन एज अ मॉइस्चराइजर भी वर्क करता है मेरे। सो सनस्क्रीन मैंने अप्लाई कर लिया एंड इसके बाद मैं ये बीबी क्रीम ले रही हूँ। मैं इतना सा ले रही हूँ एंड इसको डॉटेड मोशन में अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी मैं। एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी एक वैट ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से। आपको ब्यूटी ब्लेंडर को रगड़ना नहीं होता, आपको जस्ट टैप टैप करना होता है इसको आपके फेस पे, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से इवनली ब्लेंड हो जाए। आप चाहो तो बीबी क्रीम को फिंगर्स के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो, बट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक मिलता है। सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है प्रेफर करती हूँ एंड इसके बाद मैं अपने बीबी क्रीम को सेट कर रही हूँ। ये मेबेलिन का फिट मी पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मैं इसी की हेल्प से अपने फेस एंड नेक को सेट कर लूँगी। एंड इसके बाद बढ़ते हैं आईब्रोज की तरफ। सो मैं आईब्रोज फिल करने के लिए तीन ब्रशेज ले रही हूँ, एक फ्लैट एंगल ब्रश, एक स्पूली है एंड एक इस तरह का ब्रश है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं इस तरह से कॉम कर लूँगी अपने आईब्रोज को, ताकि मैं प्रिसाइजली वो एरिया फिल कर सकूँ अपने आईब्रोज के जहाँ पे गैप्स हैं थोड़े बहुत। सो मैं इस तरह से अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी दोनों को। एंड जस्ट मैं स्पूली को चला लूँगी अपने आईब्रोज के ऊपर, ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट मेरे आईब्रोज पे लगा हो वो उसके साथ निकल आए एंड मुझे एक नेचुरल लुक मिले। सो एंड मैं इसके बाद कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईब्रोज के एजेस पे, ताकि मैं इसको कंसीलर को ब्लेंड करके अच्छे से क्लीन लुक पा सकूँ आईब्रोज के अराउंड। सो मैं उस कंसीलर को भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई ब्रश यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए कंसीलर की। नाउ मैं अपने आई लिड्स पे भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एज अ बेस, एज आई शेडो बेस। सो मैं इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से एंड इसके बाद मैं इसको भी सेट कर दूंगी ये मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करके। एंड नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। सो आई मेकअप के लिए मैं ये ब्रशेज यूज़ करूँगी एंड ये पैलेट यूज़ करूँगी, स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। एंड इसमें से मैं ये वाला कलर लेके एज अ ट्रांजिशन शेड मैं ये कलर ले रही हूँ एंड इसको अच्छे से अपने क्रीज लाइन के ऊपर एंड क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। मैं इसको स्वीपिंग मोशन में और सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी अपने आई शेडो को। एंड इसके बाद मैं ये ब्राउन शेड लेके अपने आउटर वी पे और अपने लिप्स पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी इसको भी। दोनों आईज पे मैं सेम स्टेप फॉलो करूंगी। एंड नेक्स्ट मैं इस तरह का ब्रश लेके सेम ब्राउन कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मज आउट ब्लेंड कर दूंगी और अच्छे से। एंड इस तरह का पेंसिल ब्रश लेके मैं इसको स्मज आउट कर दूंगी। एंड इसी पैलेट में से मैं ये गोल्डन शेड लेके अपने पूरे लिड्स पे इसको अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो या चाहो तो एक फ्लैट टिप ब्रश लेके अप्लाई कर सकते हो।
मैंने ये फ्लैट टिप ब्रश लिया है, इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे लिड्स पे ये गोल्डन शेड अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं अपने आई शेडो को दोबारा ब्लेंड करूँगी इस तरह से ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे मेरे आई शेडोज में। नेक्स्ट मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल है, इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। एंड अपने लोअर लैश लाइन के काजल को मैं ब्लैक आई शेडो के साथ मिक्स करके मैं स्मज आउट कर दूँगी इसको भी। एंड उसके बाद मैं आई लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर, एंड इससे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी अपने आईज पे। मैं एक थिन लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये वाला कलर लेके इसी पैलेट में से एज अ ब्रॉन्जर मैं इसको यूज करूंगी। मैं इसी शेड को यूज करके अपने फेस की काउंटोरिंग कर लूंगी, मैं कोई और पैलेट यूज नहीं कर रही हूँ। एंड जहाँ जहाँ पे आपके फेस की काउंटोरिंग होती है मैं वहाँ से काउंटोरिंग कर ले रही हूँ। एंड इसके बाद मैं ये वाला पैलेट लेके, शिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट लेके, इसमें ऐसे ये शेड्स चूज कर रही हूँ ब्लश के लिए। सो मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ब्लश ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, थोड़ा लाइट ही रखा है। एंड इसके बाद मैं अपने नोज़ को भी कंटूर कर रही हूँ। एंड मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ शिवाना का शिमर ब्रिक्स। एंड मैं अपने टिप ऑफ द नोज पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अपने फेस के सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये मरूनिश काइंड ऑफ शेड है, सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने पसंद का कोई न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं इस तरह की स्टोन वाली बिंदी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। एंड मैं इस तरह की झुमकीज वेयर कर रही हूँ अपने ड्रेस के साथ, ये मेरी मैच कर रही है। सो एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।